गुड मॉर्निंग सेकेंड क्लास, आई एम प्रवीण फ्रॉम हैप्पी कैम्ब्रिज स्कूल, योर इंग्लिश टीचर। बच्चों, आज की इंग्लिश की एक्टिविटी में हम टंग ट्विस्टर्स करेंगे। टंग ट्विस्टर्स, ठीक है। तो टंग ट्विस्टर्स क्या होता है, पहले ये समझिए कि टंग ट्विस्टर्स क्या होता है। कि एक सेंटेंस को हमने फ्लुएंसी से बोलना है, बिना रुके, कोई भी सेंटेंस को हमने बिना रुके बोलना है, फ्लुएंसी से बोलना है। इससे क्या होता है, टंग ट्विस्टर की अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो इससे क्या होगा, उससे आपकी वॉइस क्लियर होगी, ठीक है, और आप डिफ़िकल्ट वर्ड्स को इजीली बोल सकोगे, ठीक है ना। जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं और उन्हें बोलने में आप रुक जाते हो, अटक जाते हो, आप उनको इजीली बोल सकते हो अगर आप टंग ट्विस्टर्स की प्रैक्टिस करोगे। आपकी वॉइस भी क्लियर होती है, और साथ ही आप इसको एक गेम चैलेंजर की तरह भी खेल सकते हैं। आप अपने फ्रेंड्स के साथ खेल सकते हैं, अपने घर में अपने ब्रदर सिस्टर्स के साथ खेल सकते हैं कि चलो ये सेंटेंस को बिना रुके बोल के सुनाओ। आपने छोटे आपने सुना होगा जैसे हिंदी में कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, है ना। इसी तरह का आपको ये इंग्लिश में करना है, इसे बिना रुके बुक करना है। तो यहाँ मैंने आपको 4 टंग ट्विस्टर्स दिए हैं, सभी बच्चों ने इन्हें अपनी इंग्लिश की कॉपी में उतारना है और हर टंग ट्विस्टर्स को 5-5 टाइम्स पढ़ना है और बोलना है, बिना रुके बोलना है। तो चलो हम प्रैक्टिस करते हैं। पहला टंग ट्विस्टर्स है हमारा, फर्स्ट है द बिग फैट कैट सैट ऑन द रैट, ठीक है। तो हमने इसको एक साथ बोलना है, द बिग फैट कैट सैट ऑन द रेड, 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 द बिग फैट कैट सैट ऑन द रेड। इस तरह से अगर हम इसको बोलेंगे तो हमें बिना रुके बोलना है, ठीक है। अब आप सेकंड देखिए, डबल बबल गम बबल्स डबल। पहले आप इसे ध्यान से देखिए, डबल बबल गम बबल्स डबल। अब हमने इसको एक साथ बोलना है, डबल बबल गम बबल्स डबल, 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 ठीक है। अगर आप बोलते बोलते रुक जाते हो तो दोबारा प्रैक्टिस करो, ठीक है। थर्ड देखिए, अ चिप शिप ट्रिप, अ चिप शिप ट्रिप। अब आपको एक साथ बोलना है इसे, अचिप शिप ट्रिप, 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 मैं अटक गई, ठीक है, तो मुझसे गलती हो गई, हम दोबारा से प्रैक्टिस करते हैं। अचिप शिप ट्रिप, 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 अचिप शिप ट्रिप। आपने इसको 5 टाइम्स इस तरह से बोलना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, फोर्थ है आपका, किटी कॉट द किटन इन द किचन, किटी कॉट द किटन इन द किचन। आपको स्पेलिंग्स भी देखनी है, ये किटी है, कॉट द किटन इन द किचन। अब एक साथ बोलेंगे, किटी कॉट द किटन इन द किचन, 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 ठीक है। तो हमने इन टंग ट्विस्टर्स की प्रैक्टिस करनी है, सभी बच्चों ने इन्हें अपनी कॉपी में लिखना है, मैं दोबारा बता रही हूँ, और हर टंग ट्विस्टर्स को 5-5 टाइम्स बिना रुके एज ए गेम की तरह आपने इसे खेलना है और बोलना है, ठीक है। अपने पेरेंट्स को सुनाना है, अपने भाई बहन को सुनाना है, अपने फ्रेंड्स को सुनाना है। आप अपने टंग ट्विस्टर्स को बोलते समय अपनी वीडियो भी बना सकते हो, ठीक है। तो हम एक बार और प्रैक्टिस करते हैं। फर्स्ट देखिए, द बिग फैट कैट सैट ऑन द रेड, ठीक है, द बिग फैट कैट सैट ऑन द रेड। अब एक साथ बोलेंगे हम, द बिग फैट कैट सैट ऑन द रेड, 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 ठीक है। सेकेंड देखो, डबल बबल गम बबल्स डबल, ठीक है। अब एक साथ बोलेंगे, डबल बबल गम बबल्स डबल, 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 ठीक है। थर्ड देखिए, अ चिप शिप ट्रिप, इसे भी बोलिए, अ चिप शिप ट्रिप, 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 अ चिप शिप ट्रिप। थोड़ा डिफिकल्ट है ना,
हम बोलते बोलते अटक भी रहे हैं, हमारी जीभ भी थोड़ी लड़खड़ा जाती है, स्लिप हो जाती है, लेकिन हमने इसकी प्रैक्टिस करनी है बराबर, ठीक है। फिर फोर्थ देखिए, किटी कॉट द किटन इन द किचन। अब एक साथ बोलिए, किटी कॉट द किटन इन द किचन, किटी कॉट द किटन इन द किचन। ओहो मैं अटक गई, सॉरी। हम दोबारा प्रैक्टिस करते हैं, किटी कॉट द किटन इन द किचन। चलिए, किटी कॉट द किटन इन द किचन, 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 किटी कॉट द किटन इन द किचन। ठीक है, जब बच्चों आपकी ये अच्छी तरह प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर मैं आपको नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट क्लास में और दूंगी। और ये वाले जो टंग ट्विस्टर्स हैं, मैं आपसे लाइव क्लासेस में सभी बच्चों से सुनूंगी भी, ठीक है। तो हम देखेंगे कि लाइव क्लास में किस बच्चे ने सबसे ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस करी है। आज की क्लास में हमने इसको प्रैक्टिस करनी है, और कल की लाइव क्लास में हम इसको सभी बच्चों आपस में सबके सामने ट्राई करेंगे और देखेंगे कि सबसे बेस्ट किस बच्चे का होगा, ठीक है। तो आई होप आप सभी को ये अच्छी लगेगी ये एक्टिविटी, और सभी इसकी प्रैक्टिस खूब करेंगे घर में, ठीक है। बाय बच्चों, हैव ए नाइस डे।